यह है दुर्लभ शिवलिंग विमलेश्वर महादेव जी का। ये स्वयंभू शिवलिंग है और ये इसका वर्णन केदारखंड में है, आप देख सकते हैं। नमस्कार, आज मैं विमलेश्वर मंदिर के समक्ष महादेव के समक्ष हूँ और यहाँ पे मैं एक दुर्लभ स्तोत्र का पाठ करता हूँ। ये पाठ मुझे एक गुप्त संत द्वारा जो करीब 150 वर्ष के थे उनसे ये प्राप्त हुआ और जन कल्याण के लिए साथ में जो ये आपदाएं आ रही हैं उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष में, समूचे विश्व में, उसकी शांति के लिए ये पाठ मैं करता हूँ और आप भी इसको उजागर करते हैं सभी भक्तगणों के लिए। और भगवान विमलेश्वर जी से, महादेव जी से ये प्रार्थना है, उनके चरणों में ये प्रार्थना है कि सभी तरह की प्राकृतिक आपदाओं से हमारे उत्तराखंड को, हमारे भारत को और तथा समूचे विश्व को बचा के रखे और सब रक्षा करे। अब इस पाठ का, दिव्य पाठ का मैं इसको आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। प्रभु मीशम नीशम से सगुणम गुणहीनमहिष गणाभरणम रण निर्जित दुर्जय दैत्यपुरम प्रणमामि शम शिवकल्पतरुम गिरिराजसुतान्वित वाम तनुम तनुनिन्दित राजित कोटि विदुम विदु विष्णु विरोदित पाद युगम प्रणमामि शम शिवकल्पतरुम ससलांचित रंजित सन मुकुटम कटिलंबित सुंदर कीर्तिपदम सुरशैवलनीकृत भूतजटम प्रणमामि शम शिवकल्पतरुम नयनत्रय भूषित चारुमुखम मुखपद विराजित कोटिविदुम विदुखंडित मंडित बालतटम प्रणमामि शम शिवकल्पतरुम मकुराध्वजमतमदङ्गहरं करिचर्म सनागविबोधकरं वरदाभयशूलविषाणहरं प्रणमामि शं शिवकल्पतरुं जगदुतवापालननाशकरं त्रिदेवशशिरोमणिदृष्टपदं प्रियमानवसाधुजनेकगतिम् प्रणमामि शं शिवकल्पतरुम् अनघं सुदीनं विभो विश्वनाथं पुनर्जन्म संघात परित्राहि शंभो भजमये अखिल दुख शंभुहं प्रणमामि शं शिवकल्पतरुम्। इस पाठ में भगवान महादेव को, शिव शंभु को एक कल्प वृक्ष की तरह बताया गया है जिनके समक्ष कोई भी इच्छाएं रखें वो सब इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। वो कैसे कल्प वृक्ष हैं जो सभी मन में आने वाली आपकी पॉजिटिव जो भी हुआ है इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करते हैं। तो विमलेश्वर महादेव को नमन करते हुए, अंडार देवता को नमन करते हुए इसको